भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्रदेश में 12 सितंबर से बड़े धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, इसके लिए विभाग एसओपी तैयार करेगा। शुक्रवार को जयराम कैबिनेट ने मंदिर खोलने को लेकर हरी झंडी दे दी है। हालांकि अभी 15 तारीख तक पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। क्वारंटीन पीरियड को 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। इनकम टैक्स देने वाले एपीएल उपभोक्ताओं को पीडीएस के तहत चावल, गेहूं और आटा दिया जाएगा। डिपुओं में मिलने वाले बाकी चीजों पर कोई सब्सिडी नहीं होगी। फर्जी डिग्री मामले में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से सवाल किए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मानव भारती विश्वविद्यालय ने फर्जी डिग्रियां देकर लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। प्रदेश सरकार में कौन लोग इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं? अब मामला दूसरे राज्यों तक जा पहुंचा है, ऐसे में सरकार को जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। विश्वविद्यालय की चौथी बिल्डिंग से सारा खेल चलता है। विधानसभा में जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था, कांग्रेस पर उल्टा बात डालकर विश्वविद्यालयों को क्लीन चिट दे दी गई। प्रदेश में 5 सितंबर से 3 रूटों पर रात को बसें चलाई जाएंगी। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार 3 रूटों पर संचालन का फैसला किया है। चंबा शिमला चंबा रूट पर हर रोज बस का संचालन शाम 5 बजे चंबा से और शाम 6:30 बजे शिमला से शुरू होगा। मनाली शिमला मनाली रूट पर बस का संचालन शाम 7 बजे मनाली से और शाम 8 बजे शिमला से होगा। धर्मशाला शिमला धर्मशाला रूट पर बस का संचालन रात 9:30 बजे धर्मशाला से और रात 9:30 बजे ही शिमला से किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में शुक्रवार से कोरोना से एक और मौत हो गई। नाहन में 70 साल की बुजुर्ग महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि महिला डायबिटीज हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से ग्रस्त थी। प्रदेश में अब तक 47 मौत हो चुकी है। शाम तक प्रदेश में कोरोना के 1,757 मामले एक्टिव है, जबकि कुल आंकड़ा 6,705 हो चुका है। प्रदेश में कोरोना के साथ साथ स्क्रब टाइफाइड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। आईजीएमसी शिमला में स्क्रब टाइफाइड के 12 मरीज पाए गए हैं। एमएस डॉक्टर जनकराज ने कहा कि बरसात के दिनों में स्क्रब टाइफाइड के मामले बढ़ जाते हैं, ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। स्क्रब टाइफाइड घास के बीच पाए जाने वाले पीसों से फैलता है। टाटा अस्पताल कांगड़ा हिमकेयर के कार्ड अभी पूरी तरीके से चलाए नहीं जा रहे। कैंसर के मरीजों और तीमारदारों को काफी दिक्कत हो रही है। एनडीए और नौसेना अकादमी की रविवार को होने वाली परीक्षा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इन परीक्षाओं के शिमला में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए, इसके कारण सोलन टू शिमला इसका रूट होगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुरूप ट्रेन का संचालन किया जाएगा। स्टेशन अधीक्षक ने कहा है कि इससे अभ्यर्थियों को मदद मिलेगी और उनका भविष्य की राह में कोई बाधा नहीं आएगी। प्रदेश में मौसम की लुकाछिपी लगातार जारी है। कई स्थानों पर देर रात से जारी बारिश ने खूब कहर ढाया है। कुमारसेन में बारिश छोड़ने से सड़क के नाले में तब्दील हो गई। सड़क पर कई वाहन फंस गए और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। शुक्रवार को भी कई जगहों पर हल्की बारिश हुई तो कहीं धूप खिली रही। विभाग ने 8 सितंबर तक मौसम खराब रहने का अंदेशा जताया है। मानसून की आखिरी बारिश के साथ प्रदेश में ठंड भी बढ़ने लगी है। मंडी के सरका घाट में मासूम बच्ची की डूबकर मौत हो गई। 2 साल का मासूम बच्चा घर की रसोई में गंदे पानी के लिए बनाए गए गड्ढे में डूब गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान घर वाले कहीं व्यस्त थे। वहीं ऊना के गगरेट में व्यक्ति को सोने के आभूषण के साथ गिरफ्तार किया गया। उस शख्स के पास पक्के बिल नहीं होने पर 45,000 का जुर्माना लगाया गया है। कांगड़ा के फतेहपुर में एक 22 साल के युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सेना के ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि सेना के मेजर घायल हुए हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। चीन बॉर्डर पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। सेना प्रमुख ने कहा कि स्थिति तनावपूर्ण है, सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है। मनाली में अपने घर पर रह रही बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत इन दिनों विवादों में है। महाराष्ट्र को पीओके बताने वाले बयान पर उनकी काफी फजीहत हो रही है। महाराष्ट्र के लोगों ने शुक्रवार को उनका विरोध किया और उनकी तस्वीरों को जलाया। बवाल तब बढ़ा जब उन्हें शिवसेना के नेता से धमकी मिली। उसके बाद शुक्रवार को ये विरोध हुआ, लेकिन कंगना ने फिर अपने इरादे साफ कर दिए और ट्वीट कर लिखा है कि महाराष्ट्र के चापलूस प्यार दिखा रहे हैं। साधुओं की मौत और सुशांत खुदकुशी के बाद पोस्टर पर चप्पल चलाई जा रही है। ऐसा लगता है महाराष्ट्र के मुंह में खून लग गया है।